यूपी की फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से शराब समेत इको कार जब्त की गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान शेखोहाबाद पुलिस को तीन आरोपी संदिग्ध लगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा की रिपोर्ट। रे थाना सिकोहाबाद पुलिस द्वारा जो है रात्रि में चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों जैकी और बंटी को गिरफ्तार किया गया है 19 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ, जिसमें दो ब्रांड है इंपीरियल ब्लू और मैकडोनल्ड्स नंबर 1। ये हरियाणा मार्ग का शराब है जो यहाँ प्रतिबंधित है। इसको लेकर ये लोग जा रहे थे, सिकोहाबाद पुलिस ने इनको रोका और ये शराब उनसे बरामद की गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब इन लोगों को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।